जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर विच वॉज सिंपल इक्वेशंस. ओके, सो ऑन दैट डे व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ इक्वेशन. ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन बाय अ स्टेटमेंट और हाउ टू फॉर्म अ स्टेटमेंट बाय यूजिंग इक्वेशंस. Okay, now today we will study about how to solve equations. Okay, in the question we will be given an equation and we have to find out the value of the unknown variable. Okay, so today we will study how to solve equations. Students, basically there are two methods to solve an equation. Okay, there are two methods. The first one we will study today and the second one we will study on Tuesday. Okay, so the first method to solve the equation is balancing method. This method is called balancing method. Okay, so we'll study this method by solving some examples. Okay, we'll solve some questions and through questions we'll study this method. Let's suppose I'm writing an equation y minus 4 is equal to 4. This is an equation. You all know an equation contains some variables, some constant and equals to sign. Okay, all threes are there. Variable is also there, constant is also there and equal to sign is also there. So this is an equation. Okay, what is the variable in this equation? What is the unknown thing in this variable? Y. Y is the unknown variable. So what we have to do, we have to find out the value of Y. What will be the value of Y? Okay, students. So what we will do, in balancing method, you just remember few things like if we add anything in LHS part. In my previous class, I told you about LHS and RHS. LHS is the left-hand portion of the equation and RHS is the right-hand portion of the equation. Okay. So, for solving an equation, you should remember that if we add or subtract anything in LHS, we should add or subtract that same thing in the RHS part also. Okay, getting my point? Similarly, if we multiply or we divide in the LHS part of any equation, we have to do the same things in RHS also. Understood? That means what I said, मैंने क्या कहा कि balancing equation, balancing method में क्या होता है कि अगर हम कोई भी number LHS part पर add कर रहे हैं तो वही number हमें RHS में भी add करना होता है. Similarly, अगर हम कोई भी number LHS part में subtract कर रहे हैं तो RHS part में भी हमें उतना ही number subtract करना होगा. Same multiply में भी होगा, same divide में भी होगा. कहने का मतलब ये है कि अगर हम LHS में कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं अपने मन से तो वही चीज हमें RHS में भी करना होगा, तभी वो इक्वेशन बैलेंस होगी. ओके, आप एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल, आप वेजिटेबल मार्केट में गए, आपने 1 kg टमाटोज लिए. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पुराना वाला वेइंग मशीन, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चलती है, पर उससे पहले जो तराजू वाली जो होती थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 kg का टमाटो रखे हैं तो राइट हैंड साइड में हमें 1 kg का वेट रखना पड़ता था, तब जाके वो बैलेंस होता था, तब हमें पता चल जाता था कि ये 1 kg टमाटोज है. ऐसे ही अगर हमें 1.5 kg लेने हैं, 1.5 किलो टमाटोज लेने हैं, तो व्हाट वी विल डू, 1 kg का तो वेट पहले से रखा हुआ है, हम 1/2 kg का या 500 ग्राम्स का और उसमें ऐड करेंगे वेट में तो वो 1.5 किलो टमाटोज हो जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? यही लॉजिक यहां पर भी यूज करना है स्टूडेंट्स. जो चीजें हम LHS में करते हैं वही चीजें हमें RHS में भी करनी होगी. ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है y माइनस 4 इक्वल टू 4. ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन थी. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। इस मेथड में हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी होती है इक्वेशन। द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप क्या होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? इसके लिए आप पहले ऑब्जर्व करिए इक्वेशन को ध्यान से। इसमें मुझे बताइए कि वेरिएबल वाई है, हमें पता है वाई इज अ वेरिएबल, हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू सेपरेट दिस वेरिएबल। हम चाहते हैं कि ये जो वाई है ये अकेला रहे, इसके साथ ना कुछ प्लस में हो, ना कुछ माइनस में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में, ठीक है? तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि वाई वैसे तो अकेला है पर इसके साथ माइनस फोर भी है। हम चाहते हैं कि ये माइनस फोर यहां से हट जाए। वाई, अगर ये माइनस फोर यहां पर नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये वाई अकेला होता और वाई की वैल्यू फोर होती, ठीक है? तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब वाई ये अकेला रहेगा, तो वाई को अकेला, वाई को सेपरेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, जो चीज वाई के साथ है उसका ऑपोजिट काम हम करेंगे, ठीक है? देखिए, हम चाहते हैं कि ये माइनस फोर यहां से चला जाए। अब मैथ्स में कुछ भी चीज ऐसे तो नहीं होती है। अगर यहां से इसे हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, उतनी ही वैल्यू यहां पर ऐड कर देते हैं। बिकॉज वी नो इन इंटीजर्स सेम वैल्यू में अगर सेम साइन होता है, अगर माइनस फोर प्लस फोर होगा तो वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वाई अकेला हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ पे नेगेटिव फोर है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल एड फोर बोथ साइड्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट वी विल डू, वी विल एड फोर बोथ साइड्स। हम एड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है। अगर मुझे ये माइनस फोर को हटाना है यहां से, तो मुझे प्लस फोर चाहिए, तभी माइनस फोर प्लस फोर जीरो होंगे, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और फोर क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस होता तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करती। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐड फोर बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ बोथ साइड्स में ऐड फोर करा है, ठीक है? फोर ऐड करा है। बोथ क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी कहा मैंने, हमें इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके चलना है, ठीक है? इक्वेशन जो चीज आप एलएचएस में करोगे वही चीज आप आरएचएस में भी करोगे। तो यहां पर बोथ वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। आपको जो भी चीजें करनी है वो दोनों साइड में करोगे, ठीक है? अब हमने क्या लिखा, एड फोर बोथ साइड्स। तो हम कर लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन एज इट इज उतार देती हूँ, वाई माइनस फोर। अब जो मैंने लिखा है ऊपर वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। एड फोर लिखा है तो एड फोर कर दो, ठीक है? अब एलएचएस में किया है तो आरएचएस में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया, हाफ के जी हमें टमाटोज और बढ़ाने हैं, तो हाफ के जी यहाँ से टमाटोज बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड में उसका वेट भी बढ़ाएंगे, ठीक है? तो यहाँ प्लस फोर कर दिया, यहाँ पर भी प्लस फोर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस फोर प्लस फोर इज जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में एक जैसे अगर नंबर है और एक दोनों साइन ऑपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जीरो आ जाता है। बचा क्या यहाँ पर, वाई। एंड हेयर इन आर एच एस पार्ट, फोर प्लस फोर इज एट, सो द वैल्यू ऑफ वाई इज एट। इज इट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका ये डाउट क्लियर होगा, ठीक है? द सेकेंड क्वेश्चन इज, चलिए अब हम एडिशन का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ये ऐसा होता, ठीक है, इफ वाई प्लस फोर इक्वल टू फोर, देन वॉट वी विल डू, वॉट विल बी द फर्स्ट स्टेप? आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप कैसे पता चलती है, फर्स्ट स्टेप ऐसे पता चलती है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है और वो जिस भी साइन में है उसका आप ऑपोजिट काम करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में नेगेटिव साइन था, दैट्स वाई वी एडेड। Here there is positive sign, therefore we will subtract 4. Okay, so the second step is subtract 4 both sides. Both आपको लगाना ही है, दोनों साइड से हम 4 को subtract करेंगे. Okay, तो कैसे करेंगे? पहले क्या बताया मैंने, question as it is LHS part, पहले तो जो है वो लिख दो, ठीक है? y plus 4 दिया था, I have written y plus 4 as it is. Now what I have written here, subtract 4 both sides. ठीक है, 4 को subtract करना है, तो 4 को subtract कर दिया. Okay? And from RHS, 4 तो पहले ही था, minus 4. ठीक है students? अब
ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा हुआ है एंड 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, यहां आपको घबराना नहीं है कि y की वैल्यू 0 क्यों आ गई। बेटा y जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू कोई भी इंटीजर आ सकती है, नेगेटिव भी आती है, 0 भी आती है, पॉजिटिव तो आती ही है। ओके, इज इट क्लियर कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चंस? चलिए और कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए अगर इस टाइप से होता, एक इंटीजर ले लेती हूँ आरएचएस में, y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4, सो व्हाट वी विल डू इन दिस इक्वेशन? सी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, उसका एलएचएस पार्ट को, और देखते हैं कि सबसे पहले ये चेक करना है कि वेरिएबल किस तरफ है, एलएचएस में है या आरएचएस में है। यहां पर एलएचएस में है, अभी तक जितने क्वेश्चन करे सभी में वेरिएबल एलएचएस में प्रेजेंट था, यहां पर भी एलएचएस में प्रेजेंट है। अब वेरिएबल के साथ क्या चीजें हैं, प्लस 4 है, ठीक है, प्लस 4 है तो हम क्या करेंगे, प्लस है तो हमें इसका उल्टा काम करना है, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को, सॉरी माइनस 4 यहां पर भी, इतना तो मैंने क्वेश्चन लिखा है एज इट इज, माइनस 4 एंड हेयर इन आर एच एस माइनस 4 पहले से था, एक और माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस 4 माइनस 4 इज कैंसल्ड, ओके, सो व्हाट विल रिमेन, y, ओनली y इज लेफ्ट एंड हेयर आ गया इंटीजर, इंटीजर को रिमाइंड करिए, माइनस 4 माइनस 4 इज माइनस, माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, करना हमें प्लस होता है, 4 प्लस 4 इज 8, बट साइन आता है नेगेटिव। ठीक है, हियर देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा उसमें हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा था वेरिएबल का, सेकंड वाले में 0 आ रहा था और थर्ड वाले में नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, बट साइन का डिफरेंस है, यहां पर y माइनस 4 था, यहां पे प्लस 4 है, यहां पे आरएचएस में माइनस 4 है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। सी स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस, इन ऑल द 3 क्वेश्चंस ओनली 1 स्टेप इज यूज्ड। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली 1 स्टेप इज यूज्ड, इन सम क्वेश्चंस, इन सम टिपिकल क्वेश्चंस 2 और मोर देन 2 स्टेप्स आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस आल्सो। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, now we'll take some other example, z by 3 equal to 5 by 4, now this is the equation. See students, some of you might be thinking that this is not an equation, there is no addition or subtraction sign is there, so why ma'am is calling this type of thing an equation, why? See students, it is not necessary that every equation contains positive addition or subtraction. In some equations, there are division and multiplication also. So, this is also an equation, but in division form. Okay, the form is different, but this is an equation. So, what we will do, see students, what will be the first step? हमने LHS को ध्यान से देख लिया, RHS को ध्यान से देख लिया. सबसे पहले हमने ये पता लगा लिया कि variable की position कहाँ है. Variable कहाँ पर present है? LHS part में. Okay. LHS पार्ट में हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है, विच इज द वेरिएबल, z इज द वेरिएबल। ओके, ये हमें पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि वेरिएबल के साथ क्या नंबर है, मैं क्या करूं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चंस में प्लस 4 माइनस 4 ऐसे थे, तो मैं पता लगा रही थी कि प्लस था तो मुझे माइनस करना है, माइनस था तो मुझे प्लस करना है, ये चीज मुझे क्लियर हो गई। पर यहां पर स्टूडेंट्स डिवाइड में है, देखिए ये जो 3 है ना स्टूडेंट्स, ये डिविजन में है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, ये 3 यहां पर डिवाइड में है, तो मैंने क्या बोला, आपको उल्टा काम करना है, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो। अब यहां पर 3 डिवाइड में है, डिवाइड में क्यों, क्योंकि नीचे लिखा है ना वेरिएबल के, अगर इसका कोएफिशिएंट होता 7 में लिखा होता, अगर 6z होता तो वो मल्टीप्लाई में कहती मैं, पर यहां पर नीचे लिखा हुआ है इन डिनोमिनेटर, दैट मींस ये फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो मुझे डिवाइड में दिया हुआ है, मुझे इसका उल्टा काम करना है, इसका ऑपोजिट काम करना है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल
मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या है नीचे, थ्री, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई थ्री बोथ साइड्स. ओके, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि डिवाइड में था, थ्री क्यों, क्योंकि थ्री है इसलिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एलएचएस में भी और आरएचएस में भी थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो जेड बाय थ्री, पहले तो जो क्वेश्चन एलएचएस पार्ट था वही एज इट इज लिख रही हूं, इनटू थ्री, क्योंकि मल्टीप्लाई थ्री लिखा है ना हमने, और आरएचएस में भी यही करेंगे, फाइव बाय फोर मल्टीप्लाई थ्री, दोनों तरफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लिए. याद रखना जो एलएचएस में करते हो वही आरएचएस में करना है, विथ सेम साइन सेम नंबर. ओके, ये थ्री है तो यहां सिक्स नहीं होना चाहिए, ये थ्री है तो यहां पर भी थ्री, ये मल्टीप्लाई तो ये भी मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं यहां मल्टीप्लाई कर दिया यहां प्लस कर दिया, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो सेम करोगे और जो क्वेश्चन दिया उसका उल्टा करोगे. ठीक है, और सेम नंबर से करोगे. ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जेड बाय थ्री इंटू थ्री, फाइव बाय फोर इंटू थ्री. देखिए ये थ्री से थ्री कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, थ्री वन जै थ्री, बचा अकेला जेड इक्वल टू. अब देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन सिखाया है स्टूडेंट्स, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, वन मानोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. फाइव थ्री जा 15 बाय 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, नो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. 15 बाय 4 इज द आंसर, z इक्वल टू 15 बाय 4. आया समझ में स्टूडेंट्स, क्या करा था हमने, क्वेश्चन में डिवीजन फॉर्म में था, हमने डिवीजन का उल्टा काम किया, ऑपोजिट काम किया, वी हैव मल्टीप्लाइड थ्री बोथ साइड्स, दोनों तरफ थ्री का मल्टीप्लाई करा हमने और जो कैंसिल हो रहा था उसे सॉल्व करा और z की हमारे पास वैल्यू आ गई. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, a बाय फाइव इक्वल टू सेवन बाय फिफ्टीन. नाउ व्हाट वी विल डू हियर, अगेन यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अब आप बता दोगे इजीली, डिवाइड में है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई फाइव बोथ साइड्स, फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है. क्वेश्चंस में जो भी वेरिएबल दिए, यहाँ पे वाई दिया था, यहाँ जेड है, यहाँ ए है, हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल अलग हो जाए. ठीक है, इन्हें हमें अलग करना है ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके. हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन, सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल. ओके, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल यूजिंग बैलेंसिंग मेथड. ठीक है, हमने यहाँ देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया a, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो सकता है कुछ, 5 वन 5, 5 थ्री 15, बचा 7 बाय 3, सो 7 बाय 3 इज द आंसर. इज इट क्लियर, नाउ यू अंडरस्टूड. अब डिवाइड का कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं. देखिए आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6. अब हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई वाला भी ले लेते हैं, देखिए इस टाइप का. अब यहां पे देखिए टी एक वेरिएबल है, टी इज द वेरिएबल एंड 20 इज इट्स कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मींस टी के साथ है, और बेटा एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट अगर साथ में लिखे हो तो वो मल्टीप्लाई में माने जाते हैं. ये आप सिक्स क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर 20 टी दिया है तो इसका मतलब ये है कि 20 मल्टीप्लाइड बाय टी. ठीक है, तो इनिशियली ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन. सो व्हाट वी विल डू, डिवाइड, क्या है इसका कोएफिशिएंट, 20, डिवाइड बाय 20 बोथ साइड्स. हम 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टी का कोएफिशिएंट 20 है. ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई में था तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड. सो 20 टी डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई में है. अगर यहाँ पे 20 प्लस टी होता और फिर नीचे 20 होता तो कैंसिल नहीं हो सकता था. यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है, अगर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में हो और नीचे वाला किसी से कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर से तो वो कैंसिल हो सकता है. पर अगर अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो ये कैंसिल ऐसे नहीं होता. आप लोग काफी गलतियां करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो ही कैंसिल हुआ है. ओके, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर टी
इसे भी कैंसिल कर लिए, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, t इक्वल टू माइनस वन बाई टू, आ गया आंसर हमारा, इज इट क्लियर। चलिए अब देखिए, अब एक मैं ऐसा क्वेश्चन ले रही हूं जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स लगेंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कैसे लगेंगी देखिए, 4p बाय 3 इक्वल टू 5, सपोज करो ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ डिवाइड में दिख रहा है, कुछ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सी स्टूडेंट्स, देखिए अलग अलग तरीके हैं। कुछ बच्चे तो ऐसा सोच सकते हैं कि ये 4/3 दिया है मैम ने, तो हम 4/3 मल्टीप्लाई में तो हम डिवाइड करेंगे, देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली, जिसको करना है वो कर सकता है, बट अगर आप इसको इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट 4 यहाँ मल्टीप्लाई में भी है और 3 डिवाइड में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो स्टेप्स यूज कर सकते हैं, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ठीक है। पहले मैं क्या करती हूँ, देखिए मुझे डिनोमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर से चीज़ें पहले हटाया करो, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि डिनोमिनेटर का 3 हट जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर के 3 को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ पहले स्टेप में, तो वॉट विल आई डू, अगर यहाँ पे डिवाइड है 3 में तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तभी ये नीचे का 3 जाएगा, तो वॉट वी विल डू, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स, हम क्या करते हैं दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या होगा 4p अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए दोनों तरफ एक ही काम किया है, इस नंबर को आपको ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज उतारा है मैंने, कुछ चेंज नहीं किया है उसमें, बस यहां पर क्या किया है, जो लिखा है उसे अप्लाई किया है, यहां मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लिया, इससे क्या हुआ ये कैंसिल हो गया, ठीक, यहाँ पे बचा 4p और यहाँ पे बचा 5 3 15, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इस 4 को यहां से रिमूव करना है, ओनली इन दैट केस योर पी विल बी सेपरेटेड, हमको पी को तो अलग करना है, पी इज द वेरिएबल इन द क्वेश्चन, पी एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को मुझे सेपरेट करना है, अलग करना है, ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसके साथ ना कुछ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ना डिवाइड में, ना एड एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, सो आई वॉन्ट दिस पी टू बी सेपरेटेड। तो आप क्या करूंगी, याद करिए 6th वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 20t था, यहाँ पर 4p है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सो वॉट वी विल डू, वी विल डिवाइड बाय 4, सो द सेकेंड स्टेप ऑफ द इक्वेशन इज डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स, ओके, तो 4p अपॉन 4 इक्वल टू 15 अपॉन 4, इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां बचा अकेला 4 और ये बचा 15 अपॉन 4, दिस इज द आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स, पहले जो 3 क्वेश्चंस करे थे हमने आज, वो बहुत सिंपल थे, बस उसमें आपको मेथड समझी आपने कैसे करोगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, आपको पहचानना है इक्वेशन में क्या दिया हुआ है और आपको क्या करना है। जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया वो एक कॉम्बिनेशन था, ठीक है, कॉम्बिनेशन था मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का, तो इसमें हमने इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो आंसर आया उसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो ऐसे वेरिएबल सेपरेट हो गया। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करो, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर आप पहले डिवाइड करते तो आप पहले 4 को डिवाइड कर देते, तो यहाँ 4p अपॉन 3 इंटू 4 नीचे आ जाता है, यहाँ पे 4 अपॉन में आ जाता, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करते, बट वो मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसलिए मैंने पहले नीचे का डिनोमिनेटर को हटाने का सोचा, इज इट क्लियर। तो एक लास्ट और एग्जाम्पल कर लेते हैं जो एक कॉम्बिनेशन का है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगी आप उसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए स्टूडेंट्स, 2q + 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ एडिशन है कुछ मल्टीप्लीकेशन है, देखिए 2q + 6 इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले देखिए, अब इन क्वेश्चंस में देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करा है 7th वाला, उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड था, ठीक है, साथ में कुछ प्लस माइनस नहीं था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ आप चाहो तो आप पहले डिवाइड कर लो दोनों तरफ बैलेंस करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पर इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिसमें एडिशन में कुछ होता है या सब्ट्रैक्शन में, तो इसमें स्टूडेंट्स पहले आपको
ये ही रिमूव करना चाहिए। ठीक है, पहले आप ये हटाओगे, ठीक है, पहले आप ये हटाने की कोशिश करोगे, फिर आप ये टू को रिमूव करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ये क्वेश्चन भी टू स्टेप्स में सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप इज, देखिए यहां पे +6 है, सो व्हाट वी विल डू, सब्ट्रैक्ट। प्लस है तो हमें उसका उल्टा काम करना है, प्लस का और रेसिप्रोकल क्या होता है, प्लस का ऑपोजिट माइनस। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड, हम दोनों तरफ से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, तो 2q एज इट इज रहेगा, +6 भी है, ये तो क्वेश्चन का ही है, ये एज इट इज है, सब्ट्रैक्ट 6 बोला है इसलिए -6 करना पड़ेगा, और RHS में भी सब्ट्रैक्ट 6, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए +6 -6 विल बी कैंसल्ड, व्हाट विल रिमेन, 2q, एंड हियर इन RHS पार्ट 12 -6 इज 6। ओके, अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2q = 6। अब मुझे 2q को अकेला करना है ना, अब देखिए q के साथ 2 किस ऑपरेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, सो व्हाट विल वी डू, इसका ऑपोजिट काम, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, सो वी विल डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, सो 2q/2 = 6/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 2 3s are 6, q = 3, दिस इज द आंसर, इज इट क्लियर, नाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि राइट ओनली, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करने का बोला हो, कभी कभी सिर्फ इतना पूछा होता है कि राइट ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ द इक्वेशन। अब सपोज करो आपको कुछ इक्वेशन ये दिया है, इक्वेशन ये दी और आपको बोला कि इसे सॉल्व करने की पहले स्टेप आप क्या करेंगे, तो द फर्स्ट स्टेप विल बी, आप सिर्फ इतना लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स, यू विल ओनली राइट अप टू दिस, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको बस, इसे सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सॉल्व करने का बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए और फिर अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट करिए, तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेथड समझ में आई सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, इसे और ध्यान से समझिए और क्वेश्चंस जो दे रही हूँ उसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में ऑन ट्यूसडे विल स्टडी द अनदर मेथड विच इज ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, ठीक है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसे सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।